He has specially came to meet me. नहीं नहीं मेरा शो है मुंबई में. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती. कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. बीते शनिवार संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की स्टार कास्ट नजर आई थी, जहां सभी खूब मस्ती मजाक किया. वहीं अब इस शो के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, जिसमें कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल नहीं हुआ, बल्कि जाने माने विदेशी सिंगर एड शीरन नजर आ रहे हैं. पिछले काफी समय से खबरें आ रही थी कि कपिल शर्मा के शो में विदेशी सिंगर एड शीरन दिखाई देंगे, लेकिन कब इसका खुलासा नहीं हो पा रहा था. हालांकि अब नेटफ्लिक्स ने अपने इस शो का नया प्रोमो कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है. बता दें कि एड शीरन की न सिर्फ विदेशों में फैन फॉलोइंग है, बल्कि भारत में भी लाखों लोग उनके दीवाने हैं. इस प्रोमो वीडियो की शुरुआत शीरन की एंट्री से होती नजर आ रही है. इस दौरान एड बेबाक हिंदी बोलते भी नजर आ रहे, जिसे सुनकर तो कपिल के भी होश उड़ गए. उन्होंने शाहरुख खान का आइकॉनिक सिग्नेचर पोज और DDLJ का डायलॉग भी बोला. बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. जब कपिल सबके सामने कहते हैं कि एड मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए ये मुझसे मिलने आया है, इस पर एड कहते हैं नहीं नहीं मेरा मुंबई में शो है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ. इस जवाब पर कपिल चुप हो जाते हैं. वही सभी दर्शक हंस पड़ते हैं. हिंदी बोलने से लेकर एक्टर के आइकॉनिक सिग्नेचर पोज के साथ साथ सिंगर ने सुनील ग्रोवर के कहने पर उनके लिए हिंदी में गाना भी बनाया. सुनील ने एड से अपने लिए जन्मदिन के लिए एक गाना भी गवाया, जिसके बोल थे केक बर्फी और पनीर पकौड़ा, जिसे सुनकर सभी इंजॉय करते हैं. प्रोमो में शो के कॉमेडियन के साथ एड खूब मस्ती करते भी नजर आए. ये एपिसोड 18 मई को रिलीज होगा. कॉमेडियन एक्टर सुनील ग्रोवर इस वक्त कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आ रहे हैं. वह अलग अलग किरदार में दिखते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर उनका सबसे ज्यादा मशहूर हो रहा है वो डफली का है, जिसमें वह साड़ी पहनकर आते हैं और अपनी बातों से सबको खूब हंसाते हैं. दर्शकों को उनका किरदार पसंद आ रहा है, मगर इस बार सुनील कुछ और ही किरदार में नजर आ रहे हैं. सुनील का ये अंदाज देखकर आपको कपिल शर्मा शो की याद आ जाएगी. कपिल का नया शो अब पूरे तरह से रफ्तार पकड़ रहा है. शो को मिले निगेटिव कमेंट के बाद इस बार काम किया गया, जिसका नतीजा है कि शो को अब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बीते एपिसोड को दर्शकों ने खूब पसंद किया. शो में कॉमिक टाइमिंग के सबकी कमाल की लगी. खैर, अब आप इस एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहें मियो वुल्फ को.